धम्म पद गाथा क्रमांक 123, आज 29 जुलाई 2020। ये गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही एक व्यापारिक को उद्देश्य करके कही है। वाणिजो भयं मग्गं अपसत्थो महद्धनो विसं जीवितु कामो पापानि परिवज्जये तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार करते थे। उस समय श्रावस्ती में एक व्यापारी, बड़ा धनी व्यापारी, वो हमेशा श्रावस्ती से बाहर जाकर और देश के कई शहरों में जाकर वो व्यापार करता था। बड़ा धनी था और कुछ चोर लोग, जो 500 चोर उसकी घर में चोरी करना चाहते थे, लेकिन वो घर में चोरी नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पाए। तो वो वक्त देख रहे थे कि यह कब बाहर निकलता है व्यापार के लिए। तो जब ये बाहर निकलेगा तो रास्ते में इसे घेर कर हम इसका सामान, मूल्यवान वस्तु चुराएंगे। ऐसा कुछ 500 चोरों ने संकल्प किया। अब एक बार इन्हें बाहर जाना था, इन्होंने कह दिया कि मुझे अभी 2 दिन के बाद बाहर जाना है। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं तो अभी व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूं, मेरे साथ जो भी चलते हैं वहां उस रास्ते से जाने वाले तो चले, मैं उनके रहने का, खाने पीने का सारा इंतजाम कर दूंगा, मेरे साथ चले, कोई खाने पीने की और खर्चा की कोई चिंता नहीं। तो जब उसने अनाउंस कर दिया और उसमें से विशेष रूप से 500 भिक्षु भी तैयार हो गए उस रास्ते जाने वाले, चलो भैया जा रहे हैं ना तो हम भी जाएंगे, ऐसा सोचकर 500 भिक्षु भी उनके साथ जाने के लिए निकले। अब जब ये निकलते हैं, सब जा रहे मिलकर, बड़े अच्छी तरह से यात्रा हो रही है, जाते समय वो एक बहुत बड़ा जंगल था, बड़ा महाअरण्य था। तो उस अरण्य से उनको जाना पड़ता था दूसरी जगह पर। तो उन्होंने सोचा आज नहीं जाएंगे, आज यहीं रुकेंगे, आज नहीं जाएंगे। इस प्रकार वो एक अरण्य के पहले ही एक गांव में वो रुक गए और 2-3 दिन रुके गांव में। तो जब चोर लोगों ने जब जाना कि ये उस रास्ते से जाने वाला है, तो ये सभी चोर 500 लोग अरण्य में छिपे हुए थे कि जब ये रास्ते से आएगा हम इसको घेर लेंगे और सारा इसका सामान चुरा कर भाग जाएंगे। तो इस प्रकार वो इंतजार कर रहे और ये यही गांव में रुक गया। तो 2-4 दिन हो गए, व्यापारी कोई आता नहीं, भिक्षु भी गांव में उसके साथ रुके, भिक्षुओं को हर दिन भोजन खाना सारी चीजें उनकी जो है वो सारा वो देते रहा। गांव में बड़ा स्वागत सत्कार चलते रहा भिक्षुओं का। चोर चिंतित हुए कि 2-4 दिन हो गए ये आ नहीं रहा, क्या हुआ जरा देखे। तो उसने अपने किसी साथी को भेज दिया कि जाओ भाई जाकर तो आ जाओ। तो वो कोई चोर का साथी, उनका खबर देने वाला, वो गया वहां पर और उनके सहायक को मिला, व्यापारी के सहायक को, और पूछा कि क्यों भाई व्यापारी कब निकलने वाले हैं।
वो तो जाने वाले थे 2-3 दिन पहले, लेकिन गए नहीं। कब जाने वाले हैं आगे? तो उसने कहा, क्यों भाई, क्यों पूछते हो? तो उन्होंने सत्य बोल दिया। बोले, हमारे जो चोर साथी है 500 लोग, वो वहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं, और कब जाएंगे हमें बता दो। तो बोले, 3 दिन के बाद जाने वाले हैं, ऐसा उनको बोल दिया। वो चला गया खबर लेकर कि 3 दिन के बाद वो आने वाले हैं। फिर थोड़े देर के बाद ये व्यापारी का जो सेवक था, उनका जो सहायक था, वो सेवक को मन में आने लगा कि मैं चोरों को, जो मेरी बात है कि चोर वहां पर है, चोरों के बारे में मालिक को बताऊं कि नहीं बताऊं, चोरों को सही बताओ कि मालिक को सही बताओ, क्या करूं? द्विधा मन में पड़ गया। तो उसको लगने लगा कि चोर से मुझे क्या लेना देना, मालिक तो मेरा है, उनके सहारे में जीता हूं, मैं तो मालिक के लिए ही काम करूंगा ना। ऐसा सोचकर उसने मालिक को, व्यापारी को बता दिया कि देखिए, ये जो वहां पर चोर छिपे हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं वो। तो उसने कहा, आपको कैसे पता है? नहीं, चोर का कोई खबरी, वो आया था, मुझे पूछा था, तो मैंने बता दिया। उसने पूछा था हमें कि कितने दिन के बाद निकलने वाले हैं, तो बोले कल ही निकलेंगे हम, ऐसा ये कहने लगा, कल ही निकलेंगे। और उनको तो बताया 3 दिन के बाद निकलेंगे। अब ये तो कल निकले नहीं, लेकिन ये सोचने लगा व्यापारी, कह रहे वो जब चोर वहां पर है तो क्यों हम उस रास्ते पर जाए, नहीं जाएंगे ना उस रास्ते पर। अब ये कल तो निकले ही नहीं, और 2-3 दिन रह गए, रुक गए। तो उसके बाद उन्होंने और भेजा उस खबरी को कि जाओ भाई पूछ के आ जाओ, वो तो आने वाले थे 3 दिन के बाद, आए नहीं, कब आने वाले हैं। तो इन्होंने इरादा बदल दिया, अब वो आए हैं। तो आने के बाद उनको पूछा, इस व्यापारी के सहायक को, कि क्यों भाई कब निकलने वाले हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका तो इरादा बदल गया है, अब वो नहीं जाने वाले वहां पर, और अभी ये वापस जाने वाले हैं, अब उधर नहीं जाएंगे, वापस चले जाएंगे। तो वैसे ही वो बता कर गए कि 2-3 दिन के बाद ये वापस निकलने वाले हैं, यानी वापस श्रावस्ती वापस जाने वाले हैं। तो बाद में वो खबरी जाकर बताने लगा कि फलाने फलाने दिन पर वो श्रावस्ती को वापस जा रहे हैं। तो और भी श्रावस्ती के रास्ते जाने वाले दूसरे जंगल में ये छिप के बैठे। अब व्यापारी सोचने लगा कि इधर जाना कि उधर जाना। अब उनको ये भी पता चला कि हमारे जाने के रास्ते पर ही वो वापस जाने के रास्ते पर भी चोर बैठे हैं। तो बाद में व्यापारी ने सोचा कि मैं श्रावस्ती भी वापस नहीं जाऊंगा और आगे भी नहीं जाऊंगा, यही मैं रहूंगा कुछ दिन तक, ऐसा उसने तय कर दिया। और भिक्षु अंकुर जो उनके साथ आए थे सभी को बता दिया कि देखो भाई, ऐसी ऐसी बात है, मैं तो यहाँ और भी कुछ लंबे समय तक रहने वाला हूँ, मैं जाने वाला नहीं हूँ। यदि आप रहना चाहते हैं तो रहिए मेरे साथ, सारे इंतजाम मैं करता हूँ, खाने पीने का, इसका उसका सारे इंतजाम करता हूँ, चिंता नहीं। लेकिन अब मैं न तो वापस जाने वाला हूँ न आगे जाने वाला हूँ, मैं इसी गाँव में अब रहूंगा कुछ दिन तक, ऐसा उसने बता दिया जो उनके साथ श्रावस्ती से निकले थे। तब भिक्षुओं को भी बताया तो भिक्षु ने कहा कि अभी तो ये व्यापारी आगे नहीं जाने वाले, तो हम क्यों यहाँ पर रुके, चलो हम वापस चले जाते हैं श्रावस्ती। तो वे सारे भिक्षु जो उनके साथ गए थे श्रावस्ती, उल्टे वो वापस चले गए और वो व्यापारी उसी गांव में रहा। वापस जाने के बाद सब लोग जाकर बुद्ध के सामने बैठ गए। बुद्ध ने पूछा, क्यों भिक्षु, तुम तो जा रहे थे ना, बाहर जाने के लिए निकले थे ना, क्या हुआ? ऐसा जब
बुद्ध ने पूछा सब भिक्षुओं को जो वापस आ गए, तो उन भिक्षुओं ने सारी कहानी सुना दी कि ऐसा ऐसा हुआ है भगवान, वो व्यापारी वहीं रुका है गांव में और चोर उनका इंतजार कर रहे थे, आगे भी कर रहे थे, इधर पीछे भी कर रहे थे, तो उसने सोचा कि मैं जाऊंगा ही नहीं अभी, ऐसा सोचकर उसी गांव में वो रुक गया है और हम वापस आ गए हैं। ये सारी कहानी बुद्ध को बता दी। तब बुद्ध ने ये गाथा उस समय कही, वाणी जोब भयं मग्गं अप सत्तो महद्धनो विसंग जीवितु कामो व पापानी परिवज्जय। को जैसे व्यापारी होता है, बुद्धिमान व्यापारी, वो रास्ते में धोखा देखकर कि रास्ते में डेंजर है, कोई धोखा होने वाला है, दिक्कत है, परेशानी है रास्ते में, ऐसा देखकर वो बुद्धिमान व्यापारी रुक जाता है, नहीं जाता है उस रास्ते से, वो अपना रास्ता बदल देता है। इस प्रकार बुद्ध भिक्षुओं को सिखाते हैं कि देखो भिक्षुओं, आगे का धोखा देखकर जैसे व्यापारी अपना रास्ता बदल देते हैं, उसी प्रकार जो जीवित रहना चाहता है, तो जीवित रहने वाला व्यक्ति आगे कोई सांप हो, कोई बिच्छू हो, कोई हिंसक प्राणी हो, तो वहां वो नहीं जाता, वो बदल देता है रास्ता। वो कहता है कि मुझे तो जीना है भाई, वहां सांप है, क्यों मैं वहां से जाऊं, वो वहां से नहीं जाता है। कोई हिंसक जानवर दिखाई दिए, वहां से वो नहीं जाता, वो रास्ता बदल देता है। ऐसे ही भगवान ने कहा कि देखो, ये जो भव होते हैं, ये जो विकार होते हैं, विकार हमारे बड़े दुश्मन होते हैं। इसलिए भिक्षुओं, मन में कोई विकार जागता है तो उसे विष जैसा समझो, सांप जैसा उसे समझो और उससे उस रास्ते से न जाओ, उस विकार को वही नष्ट करने का प्रयास करो। कितना सरल बुद्ध ने बताया, क्योंकि जानो समझो ये विकार है सांप जैसा है, ये विकार है चोर जैसा है। जैसे बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमान व्यापारी आगे खतरा देखकर वो नहीं जाता है, वो टाल देता है जाना। आगे सांप को देखकर बुद्धिमान आदमी उस रास्ते से नहीं जाता, वो कहता है कि इससे सांप गया, मैं नहीं जाऊंगा। ये बुद्धिमान आदमी के लक्षण होते हैं। इसी प्रकार बुद्ध सिखाते हैं कि भिक्षुओं, उपासक उपासिकाओं, ऐसा ही विचार करके कि जो क्रोध है, द्वेष है, भय है, वासना है, विकार है, जो मन में जागते हैं, ये सांप जैसे है, ये सर्प जैसे है, जो हमें परेशान करते रहते हैं, आगे करने वाले हैं आगे। इसलिए बुद्धिमान उपासक उपासिकाओं ने, बुद्धिमान भिक्षुओं ने उसको विष मानकर, विषारी मानकर उस रास्ते से जाना टाल देना चाहिए, और उसे टालकर जो सरल रास्ता है, जहां दिक्कत नहीं, जहां परेशानी नहीं, उस रास्ते से जाने का संकल्प करना चाहिए। इसी में बड़ा कल्याण है, बड़ा मंगल है। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले। ये गाथा जब उन्होंने सुनी तो 500 भिक्षु अरहत बन गए। ये सुनते बराबर कुछ लोग श्रोतापन्न बन गए, क्योंकि बुद्ध की ये वाणी थी, बुद्ध की गाथा, बुद्ध की वाणी उसी समय परिवर्तन कर देती है सुनने वालों के मन में। तो 500 भिक्षु अरहत बन गए ये गाथा सुनकर ही। इस समय ये गाथा तथागत बुद्ध ने ऐसे ऑकेजन पर, ऐसे स्थिति पर ये गाथा तथागत बुद्ध ने ये देशना दी थी। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, लंबी उम्र मिले आपको, यही मंगल मैत्री आपको भेज रहे हैं। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।